हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास एक सर्कल है, पॉइंट पी एक्सटर्नल है जहां से दो टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉ की गई है। रेडियस है ओ क्यू जिसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। एंगल ओ पी क्यू 30 डिग्री है और हमें ओ पी फाइंड आउट करना है। हमें पता है एंगल ओ क्यू पी 90 डिग्री का होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो फिर इस तरीके से हमारे पास 90 के सामने वाली जो साइड है दैट इज़ ओपी, वो हाइपोटेन्यूस का काम करेगी। जो ओपी है क्योंकि एंगल 30 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है तो जो क्यूपी है वो बेस का काम करेगी और जो ओक्यू है वो परपेंडिकुलर का काम करेगी। अब हम लोगों को हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है और एंगल गिवन है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को साइन का एंगल कनेक्ट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर यानी कि ओ क्यू एंड हाइपोटेन्यूस यानी कि ओ पी, और जो एंगल है वो है हमारे पास 30 डिग्री। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ओ क्यू जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। ओ पी हमें फाइंड ही करना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो ओ पी जो है वो 3 × 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ये हमारा डन हो गया और यही हमने फाइंड आउट करना था। अगर सपोज करें मुझे क्यू पी फाइंड करना होता इसी केस में तो व्हाट विल आई डू, मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फंडामेंटल यूज़ करूँगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है, परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर, बेस है क्यू पी जो मुझे नहीं पता और टेन 30। तो यहाँ पर मेरे पास 3/QP इज इक्वल टू टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।